आपका जो ये चल रहे हैं गांव गांव जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, मुझे बेहद खुशी है और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे अपने मंच के माध्यम से जनमानस में अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा अगर धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर अगर विभाजन हुआ है तो इस सरकार में। कोई राजनीतिक दल किसी अपराधी को का टिकट काटता है, अपने दल से टिकट नहीं देता है, तो जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस अपराधी को न जिला। मैं संतोष कुमार तिवारी आईपा से, आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, यह एक ऐसा मंच है जहां पर प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं, सामाजिक सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों की बात करते हैं जिसकी आज जरूरत है। आज हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जो खास लोग हैं चाहे आम लोग हैं, हम जो जनपद की या क्षेत्र की समस्याएं होती हैं, जो राजनीतिक स्थितियां हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो आज हमारे साथ भदोही जनपद के युवा समाज सेवी नेता कमलेश यादव जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वास्तव में जो आज की राजनीति है इसको कैसे प्रगतिशील बनाया जाए, इसमें कैसे बेहतरी लाया जाए। जी कमलेश जी, आपका स्वागत है आईपा में, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद संतोष जी। वर्तमान जो परिदृश्य है 2022 विधानसभा के आम चुनाव का, हम देख रहे हैं और आकलन भी कर रहे हैं, तो गाजीपुर से गाजियाबाद तक समाजवादी पार्टी की हवा बह रही है और निश्चित रूप से 10 तारीख को समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। तो इन्होंने बताया, तुरंत विभाग इन्होंने बताया कि जो है गाजीपुर से गाजियाबाद तक सपा की लहर चल रही है, तो समय ही बताएगा वास्तव में क्या होता है। हम यह कमलेश यादव जी से जानना चाहेंगे कि वास्तव में जो आज की राजनीति है इसको कैसे और बेहतर बनाया जाए, जिस तरह देखा जा रहा है कि राजनीति में अपराधियों या पूंजीपतियों का बोलबाला हो रहा है, इसके लिए क्या ऐसे राजनीति रहेगी तो क्या होगा देश का? जी, जहां तक राजनीति में अपराधियों और पूंजीपतियों के बोलबाला का सवाल है, तो इसके लिए राजनीतिक दल जितना जिम्मेदार है उतना यहाँ की आम जनमानस भी जिम्मेदार है। मान लीजिए कोई राजनीतिक दल किसी अपराधी को का टिकट काटता है, अपने दल से टिकट नहीं देता है, तो जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस अपराधी को न जिलाए। इसलिए कि राजनीतिक दल जब टिकट काटते हैं तो बहुत सोच समझकर फैसला लेते हैं और जनता को भी सोच समझकर ही फैसला लेना होगा, तभी जो है राजनीति से पूंजीवाद और अपराधीकरण समाप्त होगा। इसके लिए राजनीतिक दलों के साथ साथ बुद्धिजीवियों को और देश की इस महान जनता को भी यह कठोर निर्णय लेना होगा कि राजनीति में हमको पूंजीपतियों और अपराधियों से दूर रहना होगा। नहीं, आप भी कई वर्षों से राजनीति से जुड़े हैं, राजनीतिक लोगों से आप जुड़े हैं, आपका जुड़ाव रहा है, आप कई मंचों कई संगठनों में काम भी कर चुके हैं, तो आखिर पहले की राजनीति और अब आज की राजनीति में क्या अंतर आप देख पा रहे हैं और इसको कैसे सुधारा जाए? नहीं, पहले देखिए सैद्धांतिक राजनीति होती थी, पहले लोग विचारों की राजनीति करते थे, सिद्धांत की राजनीति करते थे, जो बात करते थे उस बात पर चलते थे। तो आजकल इनका जो इन सब चीज़ों में गिरावट आ गई है, उसका कारण है कि एक तो हाईटेक राजनीति हो गई है, लोग आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं, किसी कोई भी दल जन इसके लिए जितना जनता जिम्मे उसे राजनीतिक दल के लोग भी हैं, लोग जो है अति महत्वाकांक्षा में, चाहे लालच में, चाहे अति महत्वाकांक्षा में, कहीं पद की लालच में, कहीं सरकार में जाने की लालच में, कहीं लालच में लोग विचारों को अपने खो दे रहे हैं और ये राजनीति के लिए चिंता का विषय है। तो अगर इस तरह की अगर राजनीति रहेगी तो क्या होगा देश का? क्योंकि जो भारत है वह लोकतांत्रिक देश है और यहाँ का लोकतंत्र जो है राजनीति से बहुत ही जुड़ा हुआ है, तो इसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, आप बताइए थोड़ा। देखिए, परिवर्तन तो नियम है, परिवर्तन होता है, तो जैसे जो आज से कुछ वर्ष पहले था कुछ था, आज कुछ है, आने वाले समय में कुछ होगा। जरूरी नहीं है कि जिस स्थिति में राजनीतिक दौर से गुजर रही है वही की टिका रहे, परिवर्तन निश्चित होगा और विचार और सिद्धांत सब फिर से पुनः अपने जगह पर कायम हो जाएंगे, यह है कि उसमें अभी टाइम लगेगा। तो एक युवा नेता भी हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े भी हैं, तो जैसे ये कहा जाए कि आज युवाओं का जो नेतृत्व है कहीं ना कहीं कहने को तो लगता है लेकिन दिखता नहीं कि युवाओं का सराज देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में क्या राय आपकी? नहीं, युवा ऐसा नहीं है, युवाओं का नेतृत्व समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नौजवान है। समाजवादी पार्टी ने अभी तक जितने टिकट बांटे हैं उसमें 30% नौजवानों के लिए है, ऐसा नहीं, नौजवान राजनीति की मुख्य धारा है और नौजवान जिधर रहता है उधर उसी की सरकार बनती है। तो नौजवानों के लिए आपका क्या संदेश होगा? नौजवान संदेश का, नौजवान
अपने क्षमता का प्रयोग, अपने बुद्धि का, अपने विवेक का, अपनी ताकत का प्रयोग सही स्थान पर करें। जैसे इस तरह इसमें देखा जा रहा है कि आजकल राजनीति में जाति और धर्म जो है काफी प्रभावी है, हर दल के लोग में देखा जा रहा है कि लोग जाति और धर्म को जो है मुख्य मुद्दा बना करके अपनी राजनीति चमकाते हैं, तो आखिर इस पर अगर यही रहेगा तो क्या यह सही दिशा में चल रही राजनीति? देखिए, जो जातिवाद और धर्म की बात है, तो सर्वाधिक अगर जातिवाद और धार्मिक विभाजन हुआ तो इस 5 वर्ष में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा अगर धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर अगर विभाजन हुआ है तो इस सरकार में। नहीं, भाजपा तो कहती है हम सबका साथ सबका विकास के काम कर रहे हैं, कहीं भेदभाव नहीं कर रहे हैं, किसी जाति धर्म को अलग से नहीं देख रहे हैं, तो इस पर क्या करेंगे? जैसे आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी हाथी के समान है, उसके 2 दांत हैं, एक खाने के एक दिखाने के। ये काम करते हैं, जब चुनाव आता है, चुनाव नजदीक निकट आ जाता है, तो ये बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की। वोट ले लेते हैं तो वो जाति में जाति और धर्म में बांटना शुरू करते हैं। हमको बताइए, वो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं तो सबका साथ सबका विकास की बात में कितने मुसलमानों को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया? आज वो विकास की बात कर रहे हैं लेकिन वोट जात के नाम पर मांग रहे हैं, धर्म के नाम पर मांग रहे हैं। कहीं धर्म के लोग धार्मिक ध्रुवीकरण करा रहे हैं। भाई, आपने विकास किया, आपने राम मंदिर बनाया, विकास का ढिढोरा पीट रहे हैं, तो फिर आप 80-20 की क्यों बात कर रहे हैं? हम तो नहीं कर रहे हैं। आपने विकास किया, विकास की गंगा बहा दी, विकास की जब आपने गंगा बहा दिया, राम मंदिर बना दिया, कह रहे बना, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश बन रहा है। अब उनका एक ही झूठ देख लीजिए, कह रहे अखिलेश जी हिम्मत हो तो राम मंदिर रोक लीजिए। भाई, अखिलेश जी से क्या मतलब है? वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। राम सबके हैं, ऐसा नहीं राम अभी आए हैं, भगवान राम सबके हैं, सबके आदर्श हैं, लेकिन भगवान राम भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो आम जनमानस की आस्था का विषय है। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर भी राजनीति कर रहे हैं, उसका राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं। जिस तरह से 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का कुशासन चला, कहीं धर्म के नाम पर लड़ाया गया, कहीं जात के नाम पर लड़ाया गया, कहीं सांप्रदाय के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर लड़ाया गया, और आज महंगाई चरम सीमा पर है, आवारा पशुओं से, सांडों से आम जनता परेशान है, फसल नहीं सुचारू रूप से पैदा कर पा रही है, रत जगा कर रही है अपनी फसल को बचाने के लिए, तो गांव में व्यापक पैमाने विरोध है। आज लोग 200 रुपए किलो सरसों का तेल खरीद रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगा है, तमाम महंगाई का विषय है। आप 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं, अब बताइए 5 किलो राशन क्या है? हमको शिक्षा बात करिए ना, 5 किलो राशन से हमको अपंग बनाया जा रहा है, और 5 किलो से गरीबों का काम नहीं चलेगा। 5 किलो में दम नहीं और 25 किलो से कम नहीं, ये होना चाहिए। स्थिति के बारे में बात हुई, क्या रही प्रदेश और भदोही में? सपा भदोही में तो समाजवादी पार्टी 3 सीट जीत रही है। आप देख लीजिए, हम भदोही में मात्र 500 वोट से हारे थे उस विषम परिस्थिति में जब बीजेपी की लड़ चल रही थी, और आई में कमोबेश यही स्थिति थी। हाँ, बेशक हम ज्ञानपुर में थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन स्थिति में काफी सुधार है। भदोही जनपद हम 3 सीट जीतने जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, और अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कमलेश जी, आप हमारे मंच के बारे में क्या कहेंगे? आपका जो ये चल रहे हैं गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, मुझे बेहद खुशी है, और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे अपने मंच के माध्यम से जनमानस में अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे समाजवादी के युवा नेता कमलेश यादव जी, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में सपा की लहर है, और फिर से भदोही समेत पूरे प्रदेश में सपा की काफी जीत होगी और प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। हालांकि उन्होंने भाजपा सरकार के कई कार्यों को लेकर के सवाल उठाया, और उन्होंने कहा कि सब जनता उठ चुकी है, फिलहाल चुनाव के बाद डिक्लेयर हो पाएगा कि वास्तव में क्या बनता है, सपा की सरकार या किसकी सरकार बनती है। आप देखते रहिए आईपा और अपनी बेबाक राय देखते रहिए। धन्यवाद।